Brought to you by ITEL Series. ITEL Power Series. Your power play starts now. Sail on. 13th February. एक तरफ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और जांच चाक चौबंद रखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस एग्जाम में धांधली करने वालों की भी कोई कमी नहीं रही। कहीं सॉल्वर के तौर पर रेलवे कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं यूपी पुलिस के सिपाही ही फर्जीवाड़े में पकड़े गए। लेकिन इस बीच बस्ती से एक अजीब ही मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस ने भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए किसी सॉल्वर को नहीं बल्कि एक टीचर को ही पकड़ लिया है। आरोप है कि टीचर सिपाही भर्ती की परीक्षा का पेपर सॉल्व करवा रहे थे, मगर उनकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर लखनऊ में बैठे अधिकारियों ने तुरंत घटना की मॉनिटरिंग शुरू की और करीब से जांच करने के बाद उन्हें आरोपी टीचर पर डाउट हुआ, जिसके बाद निगरानी टीम एक्टिव हो गई और मास्टर साहब धर लिए गए। दावों की माने तो लखनऊ के अधिकारियों ने जैसे ही स्थिति संदिग्ध देखी तुरंत जिला प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला यूपी के बस्ती जिले के उर्मिला एजुकेशन एकेडमी का है, जहां यूपी पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था। फिलहाल एग्जामिनर साहब हवालात पहुंच चुके हैं और आगे की कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर बस्ती के उप जिलाधिकारी ने बताया कि लखनऊ मॉनिटरिंग सेल की टीम ने घटना की पूरी जानकारी दी। बताया गया था कि उर्मिला एजुकेशन एकेडमी में तैनात एक हॉल इंस्पेक्टर की हरकत कुछ अलग है और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज जनपद बस्ती में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज पहले दिन 17 फरवरी को उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी में दूसरी मीटिंग में एक कक्ष निरीक्षक संदिग्ध पाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस भर्ती बोर्ड मुख्यालय लखनऊ से कई बार रिमाइंड किया गया कि इस कक्ष निरीक्षक की गतिविधियां संदिग्ध है। उसके क्रम में स्टेटिक मजिस्ट्रेट और यहां पर केंद्र पर तैनात है केंद्र पर्यवेक्षक जो पुलिस तरफ से लगाए गए हैं, उनके द्वारा जब ये प्रारंभिक जांच की गई तो उस कक्ष निरीक्षक की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जो एक परीक्षार्थी महिला परीक्षार्थी को कुछ गोपनीय चीजें नोट करा रहे थे जो अवैध था, अनाधिकृत था और गोपनीयता भंग करने के बराबर था, जो नकल कराने की प्रथम दृष्टिया श्रेणी में आता है। ऐसी दशा में परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए स्टेटिंग मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर संबंधित कक्ष निरीक्षक ललक सत चौधरी के विरुद्ध कोतवाली बस्ती में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा में अगर कोई भी इस तरह की घटनाएं या इस प्रवृत्ति करता पाया गया उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और इसी तरीके से पंजीकृत कराया जाएगा। बस्ती से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।